दिन की शुरुआत ही चाय से होती है और जो चाय लवर्स होते हैं, जो चाय के शौकीन होते हैं, उनको तरह तरह की चाय को ट्राई करना भी बहुत पसंद है। तो तंदूरी चाय के बाद जो एक काफ़ी पॉपुलर चाय है, जो काफ़ी ट्रेंडिंग है, वो है चैरेटा चाय, जो बताऊंगे आज इस वीडियो में कैसे बनाई जाती है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, काफ़ी स्मोकी है और बहुत अच्छा आपकी जो रेगुलर चाय है उसको अच्छा टेस्ट मिलेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज चाय बनाएंगे चैरेटा, और ये है कोकोनट शेल टी, जो नारियल के जो शेल होता है नारियल का, इसका अंदर वाला पार्ट निकाल लिया है, वाइट वाला, और ये रखा है इसको मैंने। और यहाँ पे अदरक वाली चाय बनेगी, तो थोड़ी सी अदरक क्रश कर लेंगे, आप इलायची भी डाल सकते हैं चाय के लिए। तो इसको मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर देती हूँ और इसके ऊपर रख देंगे ये शेल, और इसमें डाल देंगे पानी। तो आराम से ना, डिपेंड करता है शेल छोटा है बड़ा है, तो इस शेल में जो मैं यूज़ कर रही हूँ, एक कप चाय आराम से बन जाएगी। पानी उबलने पे थोड़ा सा अदरक डाल दिया, हमारी रेगुलर चाय जैसे बनती है बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे प्रोसेस। फिर डालेंगे चाय पत्ती अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसी आप चाय पसंद करते हैं उसके हिसाब से चाय पत्ती डालिए। थोड़ा सा इसको उबलने देंगे, चाय में उबाल आ चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा चीनी, या जितना टेस्ट, जितना मीठा आपको पसंद है उसके हिसाब से। अब बस अब इसे उबलने के लिए रख देंगे, बीच बीच में स्पून से हम इसे चलाते रहेंगे। जितना चाय को आप अच्छा पकाते हैं उतना अच्छा टेस्ट आता है। तो इस चाय की जो खास बात है वो ये है कि स्लो प्रोसेस में ये चाय पकती है और बहुत अच्छी लगती है। तो उबाल आने पर मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है, और स्पून से इस तरह से मैं इसको चलाती जाऊँगी ताकि अच्छे से चाय पक जाए और स्लो प्रोसेस में पके और बहुत बढ़िया टेस्ट आए। तो चाय में देखिए उबाल आ चुका है, और स्पून से हम चलाते रहे हैं, चाय को पकाते रहे हैं। अब ये जो है चाय उबल रही है, ध्यान रखना है चाय गिरे ना, इसलिए ये टोंग जो गर्म चीज़ पकड़ने वाला ये होता है ना टोंग, इसको हम हैंडी रखेंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे इस शेल को, ताकि जब चाय ऊपर आ जाए तो हम फटाफट इसको किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें, चाय हमारी गिरे ना। तो ये देखिए कितना अच्छा इसमें उबाल आया है। इस चाय की जो खास बात है वो ये है, एक तो ये नारियल के शेल में पकाई जाती है, और जब ये नारियल का शेल जितना अच्छा पकता है ना, उतना अच्छा चाय का टेस्ट आता है। तो पतीले में मैंने इसको इस तरह से रख दिया है ताकि जो चाय गिरे तो वो इस पतीले में गिरे। उसके बाद चाय को हम छान लेते हैं, चाय तो आप कप में छानिए, लेकिन भाई कोकोनट शेल में चाय पकाई जा रही है तो इसी में ही मैं सर्व करूँगी। ये देखिए, और ये हमारी चैरेटा चाय बिल्कुल रेडी है। नॉर्मल चाय है, रेगुलर चाय है, बस खास बात यह है कि स्लो प्रोसेस में पकाया जाता है और नारियल के शेल में पकाया जाता है, जिससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा हो जाता है, एनहांस होता हो जाता है हमारी रेगुलर चाय को, एक नया टेस्ट मिलता है स्मोकी सा। तो ज़रूर ट्राई करें तंदूरी चाय के बाद, ये आप लोग इसे बहुत पसंद करेंगे एक बार अगर आप ये ट्राई करते हैं चैरेटा चाय। तो आई होप रेसिपी या वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।